हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिकेटर शुभमन गिल के बारे में। शुभमन एक पंजाबी किसान के बेटे हैं जिन्होंने बहुत सा हार्ड वर्क और खुद की स्किल से क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाया है। शुभमन ने छोटी सी उम्र में ही बहुत कुछ हासिल कर लिया और वो इसलिए भी क्योंकि वो एक शानदार खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाजी में टाइमिंग और क्लास बहुत बेहतरीन है, इसीलिए वो कुछ ही दिनों में टीम इंडिया में तीनों फॉर्मेट के प्रमुख बल्लेबाज बन गए। हालांकि क्रिकेट में इतनी ऊपर तक पहुंचना, वो भी इंडिया में, कभी आसान नहीं रहता। तो आज के वीडियो में हम शुभमन की सक्सेस स्टोरी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनसे जुड़ी और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हम आगे भी ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज लाते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। शुभमन का निकनेम सुब्बू है। इनका जन्म 8 सितंबर 1999 को पंजाब के फजलका के एक गांव में हुआ। उनके पिता का नाम लखविंदर गिल है जो खेती किया करते थे और उनकी मां का नाम कीरत गिल है। पेरेंट्स के अलावा शुभमन की एक सिस्टर भी हैं। शुभमन के पिता अपने यंगर एज में क्रिकेटर ही बनना चाहते थे लेकिन वो किसी वजह से आगे नहीं जा सके। जब शुभमन 3 साल के थे तब उन्होंने पहली बार बैट पकड़ा। हालांकि वो बैट काफी भारी था क्योंकि वो उनके पिता का था। शुभमन ने घर पर बोला कि मुझे भी बैट चाहिए तो उनके दादाजी ने कारपेंटर से एक लकड़ी का बैट बनवा कर दिया। शुभमन उसी बैट से कुछ दिन खेले। जैसे जैसे शुभमन बड़े हो रहे थे उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में बढ़ता ही जा रहा था और वो एक अच्छे खिलाड़ी भी बनते जा रहे थे। शुभमन के पिता समझ गए कि उनके बेटे में वो हुनर है जो उसे आगे तक ले जाएगा, इसीलिए शुभमन के पिता उन्हें क्रिकेट की प्रैक्टिस कराने 20-25 किलोमीटर दूर एक स्कूल में ले जाने लगे। अब शुभमन वहां खेलने लगे। शुभमन की टाइमिंग और स्किल उनकी उम्र से बड़े लड़कों से भी बेहतर थी। वो लंबे लंबे समय तक आउट होते ही नहीं थे। उम्र के साथ शुभमन का खेल निखरता ही जा रहा था, इसीलिए उनके पिता ने फैसला किया कि वो अपने बेटे को मोहाली ले जाएंगे और किसी एकेडमी में ट्रेनिंग दिलाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया। जब शुभमन की उम्र 8 साल थी तब शुभमन की फैमिली शुभमन का करियर क्रिकेट में बनाने के लिए मोहाली शिफ्ट हो गई। यहाँ आकर वो लोग किराए के घर में रहने लगे। शुभमन को जिस क्रिकेट एकेडमी में उनके पिता ने भेजा वहां शुभमन को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था क्योंकि शुभमन की उम्र 8 साल थी तो उन्हें 8 साल के बच्चों के साथ ही खिलाया जा रहा था, लेकिन शुभमन चाहते थे कि वो बड़े लड़कों के साथ खेलें। उन्होंने घर आकर एक दिन अपने पिता से बोला, मुझे एकेडमी में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बड़े लड़कों के साथ खेलना है। ये बात उनके पिता ने कोच को बताई कि उसे बड़े लड़कों के साथ खेलना है तो कोच ने कहा उसे चोट लग जाएगी, वो अभी छोटा है। इस पर शुभमन के पिता ने बोला, आप उसका ट्रायल ले लीजिए। कोच ने एक 14 साल के लड़के से शुभमन को बॉलिंग कराई। शुभमन ने बड़े आराम से उस पर शॉट लगाए। फिर कोच ने शुभमन को एकेडमी के सबसे खतरनाक बॉलर से बॉल करवाई। उसने पहली ही बॉल बाउंसर पट की जिस पर शुभमन ने कट मारकर चौका मार दिया। उसके बाद शुभमन ने उसकी अगली 3 बॉलों पर भी चौके मार दिए। वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे कि एकेडमी के सबसे अच्छे बॉलर को एक बच्चा कितनी आसानी से मार रहा है। मात्र 8 साल के शुभमन को कोच ने अंडर-14 टीम में खेलने को चुन लिया और अब शुभमन टूर्नामेंट्स में अपनी एकेडमी की तरफ से खेलने लगे। उन दिनों शुभमन और उनके पिता को बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। सुबह से 2 बजे तक वो स्कूल में रहते थे और 3 बजे से रात तक वो एकेडमी में रहते थे। संडे को वो दोनों टाइम प्रैक्टिस किया करते थे। वहीं उनके पिता को शुभमन को एकेडमी ले जाना लाना, स्कूल ले जाना लाना और अपना काम मैनेज करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ रही थी। अपनी एकेडमी की तरफ से अंडर-14 खेलते हुए उनका प्रदर्शन बहुत बेहतरीन रहा, इसीलिए मात्र 11 साल की उम्र में उनका सिलेक्शन पंजाब अंडर-16 टीम में हो गया। साल 2014 में एक टूर्नामेंट में शुभमन ने 351 रन बनाए जिसके बाद वो पंजाब क्रिकेट में मशहूर हो गए। फिर कुछ ही दिनों बाद विजय मर्चेंट ट्रॉफी में डेब्यू मैच में ही शुभमन ने दोहरा शतक लगा दिया और साथ ही और भी मैचेस में उनका शानदार प्रदर्शन रहा, इसीलिए साल 2017 में उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डेब्यू का मौका मिला और यहां भी उन्होंने अपने दूसरे मैच में ही शतक लगा दिया। यहां से शुभमन का सिलेक्शन इंडिया की अंडर-19 टीम में हो गया और वो साल 2018 अंडर-19 वर्ल्ड कप में शामिल हुए। इस टीम के पृथ्वी शॉ कैप्टन थे और शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया गया। अंडर-19 वर्ल्ड कप शुभमन के लिए बहुत शानदार रहा।
पूरे टूर्नामेंट में शुभमन ने सबसे ज़्यादा 371 रन बनाए और इसीलिए वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे। शुभमन की लगातार अच्छी बल्लेबाजी की वजह से साल 2018 के आईपीएल ऑक्शन में शुभमन का नाम शामिल हुआ और उन पर अच्छी खासी बोली भी लगी। कोलकाता नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइजी ने शुभमन को 1.8 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया। आईपीएल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा ही रहा। किसी का डोमेस्टिक अंडर 19 और आईपीएल में इतना बढ़िया करियर रहा हो तो उसे टीम इंडिया में जगह कैसे न मिलती। साल 2019 की शुरुआत में शुभमन को इंडिया की ओडीआई टीम में जगह मिल गई और 31 जनवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका ओडीआई डेब्यू हुआ। फिर 26 दिसंबर 2020 को शुभमन का टीम इंडिया की टेस्ट टीम में भी डेब्यू हो गया। उनकी पहली टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में थी और इंडिया ने ये सीरीज जीती भी। इस सीरीज का फाइनल कभी नहीं भुलाया जा सकता जो गावा में हुआ था। चौथी पारी में टीम इंडिया को 329 रन चेज करने थे जिसमें ऋषभ पंत ने 89 नॉट आउट और शुभमन गिल ने 91 रन बनाकर ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। आईपीएल में और इंटरनेशनल में भी गिल का प्रदर्शन शानदार ही रहा, लेकिन इसके बाद भी केकेआर की फ्रेंचाइजी ने 2022 आईपीएल ऑक्शन में शुभमन को रिटेन नहीं किया। इस ऑक्शन में गुजरात टाइटंस ने शुभमन को 8 करोड़ रुपए में खरीद लिया। साल 2022 में उनकी आईपीएल टीम ने आईपीएल अपने नाम किया, यानी कि गुजरात टाइटंस ने। इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में सीमित ओवर में भी उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली। उन्होंने ओडीआई में न्यूजीलैंड के खिलाफ डबल सेंचुरी लगाई और टी20 में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ही उन्होंने एक मैच में 126 रन बना डाले, जो इंडिया की तरफ से हाईएस्ट टी20 इंडिविजुअल स्कोर है। आज शुभमन गिल टीम इंडिया के मुख्य खिलाड़ी हैं और उनकी बैटिंग और शुरुआती रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो आगे चलकर एक बड़े खिलाड़ी बनेंगे। एक गांव में पैदा हुए शुभमन ने क्रिकेट खेलना एक घर में बनाए हुए बल्ले से शुरू किया था, क्योंकि वो इतने होनहार थे कि रास्ता उन्हें खुद ब खुद मिलता ही चला गया। चलिए दोस्तों, शुभमन के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं। शुभमन गिल एक दो बार महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर के साथ भी स्पॉट किए जा चुके हैं, जिसके बाद ये खबरें उड़ी कि शायद ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि कभी ना सारा की तरफ से न शुभमन की तरफ से इस बारे में कुछ बोला गया है। सिर्फ सारा तेंदुलकर ही नहीं, एक्ट्रेस सारा अली खान से भी शुभमन के रिश्ते की खबरें हैं, लेकिन इस खबर के बारे में भी कोई पक्के सबूत मीडिया में नहीं आए। तो फ्रेंड्स, ये थी सक्सेस स्टोरी क्रिकेटर शुभमन गिल की। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। आपकी हर कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर भी ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करें। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।